This is Channels Television's breaking news. जानते हो सिसावली गांव का लड़का बिरराज उपाध्याय, और मैंने मंत्री से बात रखी थी कि वो जो लड़का है ना, वो मेरे भी नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा है उनके पूरा परिवार, तो उसकी ट्रांसफर वाली बात मैंने रखी थी, बोली तो वहाँ गया वो, तो उसकी अनसुनी। अब मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना है, कोई अगर उसने गलत काम किया है, तो उसको अगर इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों देते हो? जिस आदमी को 8,000 रुपये मिल रहे हैं सैलरी, वो पुरानपुर पहुँच जाए, तो ऐसा नहीं बनता है। तो मैंने कहा अगर तुमने कोई गलत काम किया है, विभाग के अधिकारियों से भी कहा था, उसको ऊपर भेज दो, उसको ग्वालियर भेज दो, भिंड भेज दो, पर इस तरह का लंबा देना है, मैंने उसके परिवार भर है, बच्चे भी हैं, इस वजह से, और पैसे ऐसी की ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी, तो लोगों ने पैसे गलत पैसे दे दिया है। जैसे आया है कि उनके बेटे ने 50,000 रुपये की मांग की, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखा जा रहा है सरकार के चाहे मंत्री हों चाहे किसी भी विभाग के मंत्री हों, विधायकों की भी अनदेखी कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, काम करने का उनका और काम नहीं कर रहे हैं। वही हमने काम अपने क्षेत्र की पब्लिक की बात वही रख रहे हैं। This is Channels Television's breaking news.